you from recognizing your day. आइए मैं पढ़ूंगा उस संदेश से अपने दिन को पहचानना. I would like to read that thing for you. मैं उस बात को आपके लिए पढ़ना चाहूंगा. This is when Brother Branham wanted to go to Israel. ये वो समय है जब भाई ब्रैनम इज़राइल जाना चाहते थे. If he would have gone, अगर वो चले जाते, you know, आप जानते, Jews would have accepted the Messiah. यहूदियों ने मसीह को ग्रहण कर लेना था. The time for Gentiles would be over in 1954. 1954 में ही अन्य जातियों का समय खत्म हो जाता है. What exactly did the Lord tell Brother Branham? क्या सटीकता पूर्वक भाई ब्रैनम को खुदा ने कहा? He mentions it in this message. वो इस बात को उल्लेख देते हैं उसका इस संदेश में. Some man come over and said there. किसी आदमी ने वहां पर आके कहा? Brother Argenbright said. भाई आर्गनब्राइट ने कहा. Brother Branham. भाई ब्रैनम. That would just alarm Israel. ये तो चीज बिल्कुल इज़राइल को सतर्क कर देगी. And you know, there's a man called Levi Petrus. और आप जानते हैं एक आदमी जिसका नाम लेवी पेट्रस है. I love this character. ओह, मैं इस चरित्र को प्रेम करता हूँ. Because I would always like to meet Brother Levi Petrus. मैं हमेशा भाई लेवी पेट्रस से मिलना चाहूंगा. He sent a million New Testaments in Israel. उन्होंने 10,00,000 नया ऐतनामा वाली बाइबल इज़राइल को भेजा. He was preparing a ground for them. वो उनके लिए एक भूमि तैयार कर रहे थे. And so Brother Levi Petrus also said. और भाई लेवी पेट्रस ने ये भी कहा. Brother Branham, there is the opportunity. भाई ब्रैनम, यहाँ है वो मौका. Brother Argenbright said. भाई आर्गनब्राइट ने कहा. If you show this sign to them. अगर आप इस चिन्ह को उनको दिखाएं. Do you know how important this sign is? क्या आप जानते हैं कितना महत्वपूर्ण ये चिन्ह है? My. If it would have been operated in Israel, अगर ये कार्यान्वित होता इज़राइल में, Gentiles would be over. तो अन्य जाति खत्म हो जाते. That's right. ये बात ठीक है. Brother Branham, that would just alarm Israel. भाई ब्रैनम, ये तो इज़राइल को बिल्कुल सतर्क कर देगा. Bring them out before it and show the sign of the prophet. उनके सामने बाहर निकल के दिखाया जाए एक नबी का चिन्ह. They'll believe it. वो इस पे विश्वास कर देंगे. Said, मैंने कहा, Lord, here I am ready. प्रभु, यहाँ मैं तैयार हूँ. Jumped on the plane. ठीक हवाई जहाज में चढ़ गया. Took the money. पैसा लिया. And got me a ticket. और अपना एक टिकट खरीदा. Stopped in Cairo. और कायरो में रुका. Say, yeah, I'm ready. मैं कहा कि जी हाँ, ठीक है, मैं तैयार हूँ. The Holy Spirit said. पवित्र आत्मा ने कहा. This is not your place. ये तुम्हारा स्थान नहीं है. This is not your time. ये तुम्हारा समय नहीं है. See, you get ahead of yourself. Oh, देखो तुम अपने सीमाओं से आगे बढ़ रहे हो. I thought, oh my. Oh, मैंने कहा, तो मैं? I come way over here. Oh, मैं तो ठीक यहाँ तक के आ गया हूँ. I'm going to go. हाँ, मैं तो जाऊंगा. Something said. किसी ने कहा. Stop right here. ठीक, यहीं रुक जाओ. Don't you go that way. उस मार्ग में मत जाना. Turn. वापस फिरो. Go in into India. हिंदुस्तान जाओ. Don't go that. वहां ना जाओ. Go over to India. हिंदुस्तान में जाओ. But don't you go here. पर कभी भी उस जगह पे मत जाना. Follow this code carefully. इस कोड को ध्यानपूर्वक अनुसरण करिए. Thought, why? सोचा क्यों? As I walked out behind the hangar. जैसे मैं जहाँ पर हवाई जहाज खड़े थे उसके बाहर गया. I said, Lord Jesus, what does this mean? मैंने कहा कि प्रभु यीशु, इसका क्या मतलब है? Then he made known to me. तब उन्होंने मुझे जनवाया. No Gentile. कोई अन्य जाति नहीं होगा. नहीं होगा. These prophets are the one. ये तो वो नबी हैं जो आएंगे, जो उनको यीशु के बारे में जनवाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के बारे में. It has to be according to the scripture. ये पवित्र शास्त्र के अनुसार होना चाहिए. Moses and Elijah has to come. मूसा और एलिया को आना होगा. And besides, और इसके अलावा, the bride hasn't been taken out of the way yet. दुल्हन मार्ग से उठाई नहीं गई है अभी तक. That's why. इसलिए. Go to India. हिंदुस्तान जा. Hallelujah. Amen. You कर रहे हैं? In other words, दूसरे शब्दों में. Why India? क्यों हिंदुस्तान? That's where I will finish up. ये वो जगह है जहाँ मैं खत्म करूंगा. Then what you wanted to do today? तब जो तू आज करना चाह रहा है. Going to Israel and show the sign of Messiah. इज़राइल में जाके मसीह का चिन्ह दिखाना चाहता है. I raise them two men. मैं वहाँ पर उनके दो पुरुषों को खड़ा करूंगा. Moses and Elijah. मूसा और एलिया को. They will preach to them. और वो उनको प्रचार करेंगे. But that is after the Gentiles are over. तो होगा जब अन्य जातियों का समय खत्म हो जाएगा. That's why. इसलिए. Now you go to India. तू अब हिंदुस्तान जा. Why? क्यों? Now you get the connection. अब आप उस जोड़ को पकड़िए. That this country would be the last one. कि ये देश वो आखिरी होगा. To receive the revival. कि उस बेदारी को प्राप्त करे.
Hallelujah. And isn't it strange? क्या ये विचित्र नहीं? When God sees India, जब खुदा ने इंडिया को देखते हैं, He sees it before Lord Mountbatten. वो लॉर्ड माउंटबेटन के से पहले देखते हैं. That India which included Pakistan. वो इंडिया जिसमें पाकिस्तान शामिल है. Not the partitioned India. वो विभाजित किया हुआ हिंदुस्तान नहीं. But that which was really called India before. पर वो जो वास्तविकता में पूरा हिंदुस्तान, पूरा इंडिया कहलाता था. In the days of Esther. एस्तर के जमाने में. And that India was where Indus Valley was. और वो इंडिया था जहां पर वो सिंधु घाटी थी. Near the Hindu Kush ranges. जो हिंदु कुश पहाड़ी की श्रृंखला के करीब था. It included Pakistan. उसमें पाकिस्तान भी शामिल था. It included Gilgit. उसमें गिलगित भी था. And Baltistan and all these places. God saw that India. और बाल्टिस्तान और तमाम ये चीजें, तमाम ये जगहें, खुदा ने उस हिंदुस्तान को देखा. And isn't it strange? और क्या ये विचित्र नहीं? When the revival struck us, जब बेदारी हमें छुई, automatically, अपने आप ही, it went to Pakistan. ये पाकिस्तान चली गई. But it's just gone there. पर ये वहाँ चली गई है. And they are a part of that revival. और वो उस बेदारी के हिस्से हैं. India and Pakistan together is India. इंडिया पाकिस्तान एक साथ इंडिया ही है. Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? Amen. That's where. वहाँ पर. Comes the last shower. वहाँ पर है तब आती है आखिरी बौछार. And after that. और उसके बाद. Which left there. वो डीलिंग जो उन्होंने वहां छोड़ी, टू बी रिन्यूड अगेन, वो फिर से चालू हो यहां पे. Amen. Now you know. अब आप जानते हैं. Why that pillar of fire came. क्यों वो आग का खंबा आया. Yes. Amen. It was a signal. ये एक चिन्ह था. All these years it was here. इतने सालों से वो यहां था. It was only preparing you and I. ये केवल आपको और मुझे तैयार कर रहा था. For this great hour where God has bringing us. इस महान